सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट चैनल बनाए होंगे 2024 के अंदर, लेकिन उनकी शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, उनके जीरो व्यूज़ आते हैं या 1K 2K व्यूज़ आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई 2024 में क्या नई ट्रिक आई है शॉर्ट वायरल करने की। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरा ये चैनल देख लीजिए, जिस चैनल पर मेरे यहाँ पर व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 1,75,000 से भी ज़्यादा लास्ट 48 घंटे में मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। पर स्क्रॉलिंग पर यहाँ पर व्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर लास्ट 60 मिनट की बात करें जा रहा है 3,500। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ तो यहाँ पर व्यूज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड किया उस पर मेरे व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये अभी कम है, लेकिन यहाँ पर मैं शाम के टाइम अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे 15,000, 20,000, 25,000 व्यूज आ जाते हैं, और यहाँ पर 2,00,000, 3,00,000 इस तरीके से यहाँ पर व्यूज जो है वो चले जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं, ऐसा नहीं व्यूज यहाँ पर रुके हुए हैं, व्यूज यहाँ पर डेली बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एक वीडियो जो मेरी है वो यहाँ पर 1 मिलियन तक चली गई है 36 दिनों के अंदर, 1 मिलियन। और इस पर स्क्रॉलिंग पर अभी भी व्यूज बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 मिलियन व्यूज आ गया, 5,000 व्यूज आ गया, 0 व्यूज पर रुकी है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। व्यूज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर व्यूज जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 2024 की जो नई ट्रिक थी वो इस पर यूज की, और ये वीडियो अचानक से मेरी यहाँ पर जो है वो बूस्ट हो गई। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो, वीडियो का ग्राफ आप देख सकते हो, एकदम जीरो जीरो लेवल ग्राफ था, और जो मैंने ट्रिक इस पर यूज की और अचानक से ग्राफ आप देख सकते हो, और यहाँ पर व्यूज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2024 की न्यू ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ, और न्यू ट्रिक पर मेरे इस तरीके से यहाँ पर जो है वो व्यूज़ जो है दोस्तों बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियो को मैंने बैक टू बैक वायरल किया, यहाँ पर आप देख सकते हो 1,66,000, यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी वीडियो, यहाँ पर 2,00,000, 3,00,000 व्यूज़ इस पर भी होने वाले हैं। पर स्क्रॉलिंग पर इस पर भी व्यूज़ यहाँ पर बढ़ते हैं। और ये जो ट्रिक है वो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप दोस्तों आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने खुद अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल किया है, और यहाँ पर आपकी आंखों के सामने ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, और ये व्यूज़ जो है यहाँ पर स्क्रॉलिंग पर बढ़ रहे हैं, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं है आपकी आंखों के सामने जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो अगर ट्रिक जाननी है और अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करनी है तो इस वीडियो को जो है दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, एकदम न्यू ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलती है और मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपको शॉर्ट यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, शॉर्ट आपको यहाँ पर बना लेना है, शॉर्ट क्रिएट कर लेना है आपको अच्छे से, और उसको मोबाइल में अपने एडिट वगैरह करके सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आपको मैं अगली ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ, आपको चले जाना है दोस्तों YouTube पर। ठीक है, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ YouTube पर, और YouTube पर जाने के बाद आपको सब कुछ मैं यहाँ पर ध्यान से समझाता हूँ, और लाइव प्रूफ आपको जो है यहाँ पर दिखाऊंगा, सब कुछ करके यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। चालू कर दिया, आप साइड में देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जाना है ट्रेंडिंग के अंदर। ठीक है, ट्रेंडिंग के अंदर आपको कब जाना है, जब आपको यहाँ पर कोई शॉर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर ना दिखे। अगर आपको यहाँ पर ऊपर शॉर्ट का ऑप्शन दिख जाए तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग वाले में नहीं जाना है, शॉर्ट पर क्लिक कर देना। अगर आपको यहाँ पर ना दिखे तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग में क्लिक करना है। ट्रेंडिंग में दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो जो है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग में चलेगी। ये देख तो ये वाली वीडियो ट्रेंडिंग में चले, ये वाली वीडियो ट्रेंडिंग में चले, लेकिन ये क्या है, ये है लॉन्ग वीडियो दोस्तों, और हमें करनी है शॉर्ट वीडियो वायरल। तो शॉर्ट वीडियो वायरल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो शॉर्ट वीडियोज है वो यहाँ पर ट्रेंडिंग में अभी के टाइम में चल रही है। और ट्रेंडिंग में शॉर्ट वीडियो को भेजना मतलब उस वीडियो का वायरल होना 10, 20, 50 मिलियन व्यूज आना पक्का है, और उससे भी ज़्यादा। यहाँ पर देखो अभी इस पर इतने व्यूज हैं, और आप इसको देख दोगे जब इस पर व्यूज जो है यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, शॉर्ट ट्रेंडिंग में चले गए मतलब वीडियो वायरल है। अब इन सभी का व्यूज आपको चोरी करना है, क्या करना है, इन सभी का व्यूज आपको चोरी करना है। व्यूज चोरी करना आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन लीगल तरीके से। यहाँ पर देखो इस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से आपने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी सिंपल से यहाँ पर जो है लिंक जो है वो दोस्तों कॉपी कर लेनी। अब लिंक क्यों कॉपी कराऊँ, ध्यान से देखिएगा 2024 की न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ। लिंक हमने कॉपी कर ली, लिंक कॉपी करने के बाद आपको जो है दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन जो है वाई टूल करके, ये आपको जो दोस्तों इंस्टॉल कर लेनी है वाई टूल करके एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ जो है वीडियो, ये जो लिंक है वीडियो की, वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी जो हमने कॉपी की थी, आपको यहाँ पर गो पे क्लिक कर देना। अब देख सकते हो इन सभी के जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, जो लिखे हुए हैं इनके टाइटल वगैरह। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने नोट पेड में आपको दोस्तों चले जाना है, ये जो नोट पेड है नोट्स वाले में, इसमें आपको चले जाना है और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब इस वीडियो को जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर सबसे पहले कॉपी टाइटल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइटल कॉपी करके यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइटल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये टाइटल था उनका,
अब थोड़ा सा स्पेस देना है और यहाँ पर इनके जो हैशटैग है वो यहाँ पर हैशटैग यहाँ पर ऑल जो है वो यहाँ पर आपको दोस्तों कॉपी कर लेना है, ठीक है। हैशटैग हमको कॉपी कर लेना, हैशटैग नहीं हुआ तो यहाँ पर हम इसको जो है वो मिटा देते हैं और ऑल जो इसका हैशटैग है वो हम कॉपी कर लेंगे। ये कहाँ पर आने वाला है, व्यूज़ कॉपी करने में ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऐड है और कॉपी ऑल हैशटैग, इस पर आपको क्लिक करके हैशटैग आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब हैशटैग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये एक वीडियो का हो चुका है कंप्लीट। अब आपको वापस दोस्तों यूट्यूब पर आना है, वापस यहाँ पर YouTube पर आने के बाद बैक चले जाना है और इस जो सेकंड वाली वीडियो जो ट्रेनिंग चल रही है इस पर आपको चले जाना है, ठीक है। इस पर चले जाने के बाद इसकी भी जो लिंक है वो यहाँ पर कॉपी कर लेनी है और वापस से अपने इस एप्लीकेशन में आ जाना है, ठीक है। अब आप वापस से बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद इसमें हम बैक जाएंगे, वापस से इस एप्लीकेशन में हम जाने वाले, फिर से यहाँ पर लिंक जो है वो हमने सेकंड वीडियो की जो कॉपी की थी वो हमने चले जाना है। कॉपी टाइटल करना है, वापस से हमने नोट पैड में जाना है, ध्यान से देखिएगा, और ये टाइटल जो है वो हमें यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना, ठीक है। ये टाइटल पेस्ट कर दिया। अब इसका जो हैशटैग है वो हैशटैग भी हमें यहाँ पर जो कॉपी करके लगाना है, हैशटैग कॉपी करके यहाँ पर जो है हैशटैग भी हमें लगा देना है। अब हैशटैग हमारा जो लग चुका है, अब इनका जो है वो यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, अब इस एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनका जो नाम देख लीजिएगा, ये जो है चैनल पर वायरल हो रही है। अब इसका यूज़ करके इनकी जो व्यूज़ आए हैं वो व्यूज़ हमें चोरी करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपको जो है आपकी वीडियो जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, या क्रिएट सोर्स पे यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी एक वीडियो जो है मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्रिएट करके दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी वीडियो यहाँ पर जो है क्रिएट की हुई है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते ले सकते हैं, ठीक है। वह यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर एक वीडियो जो है वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। छोटी सी वीडियो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा ताकि आपको यहाँ पर बता सकूँ, आपकी अगर कोई पहले से वीडियो क्रिएटिंग है तो वो आपको यहाँ पर देख लेनी है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो है मैंने एक वीडियो जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब वीडियो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जो है ऐड साउंड का, ऐड साउंड पर आपको अगर जो चाहिए तो ऐड साउंड पर आप जरूर से क्लिक करें वीडियो वायरल करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब ऐड साउंड पर आपको दो ऊपर तीन ऊपर यहाँ पर जो है तीन जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो साउंड यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। साउंड पर आपको यहाँ पर मैं मान लीजिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ साउंड पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैं साउंड उस पर लगा देता हूँ मेरी वीडियो पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी ओरिजिनल वीडियो है तो यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी जो ओरिजिनल जो साउंड है आपका ओरिजिनल जो साउंड है वो आप अगर कट करना चाहते हो तो अपने ओरिजिनल साउंड ऐसे कर देनी है और जो हमने म्यूजिक लगाया था उसकी आपको कम कर देनी है, ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो क्रिएट किया हुआ है तब। अब रेडी है अब, ठीक है, ये देखो मेरी साउंड आ रही है। अब नेक्स्ट पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर दिया, आपकी वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्यारा सा एक थंबनेल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है, ये जो हमने डन पे क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपनी वीडियो का टाइटल आपको लगा देना है। एग्जांपल के मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जय श्री राम, ओके, जय श्री राम एंड हैशटैग हैशटैग शॉर्ट्स आपको यहाँ पर लगा लेना है। हैशटैग शॉर्ट्स लगा लिया, या आपकी जो भी कैटेगरी है, एग्जांपल के लिए कॉमेडी भी हम लगा देते हैं, कॉमेडी इस तरीके से लगा के आपको इस शॉर्ट्स को जो है सिंपल सा अपलोड कर देना है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड हमने कर दिया, ये शॉर्ट हमारा जो है वो यहाँ पर अपलोडिंग पे यहाँ पर लग चुका है दोस्तों, ठीक है। मैं एक चैनल पे यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये दोस्तों जो है वो यहाँ पर 0% और हमारा जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पर अपलोडिंग पे लग चुके हैं। अब नेक्स्ट जो काम है वो यहाँ से शुरू होता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट काम यहाँ से शुरू होता है, ये हमारी शॉर्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाए, हम चलते हैं वाइट टी स्टूडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पुराने से चैनल पर मैं आपको बता रहा हूँ वाइट टी स्टूडियो में चल गई और यहाँ पर जो हमारी वीडियो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है दोस्तों, वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जहाँ आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है शॉर्ट वीडियो हमारी वायरल जो है सॉरी अपलोड हो चुकी है और अपलोडिंग 100% आपके सामने, आंखों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो 100% हमारी शॉर्ट वीडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट ही अपलोड हो गए, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर हमारे शॉर्ट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो है एडिट वाले ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जिस चैनल से आपने वीडियो उठाया था उस चैनल को आपको सबसे पहले ऊपर मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने किस चैनल से उठाया था यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वापस से आपको चले जाना है दोस्तों और उस चैनल का आपको नाम देख लेना है, ठीक है। हमने इसका लिया था सबसे पहले तो इसको हमने मेंशन कर देना है, ठीक है, कुंदन कुंदन केडी करके चैनल है, इसको आपको मेंशन कर देना है फर्स्ट वाले को, ठीक है, कुंदन कुंदन केडी इस तरीके से करके चैनल था हमारा और यहाँ पर आया नहीं है तो यहाँ पर आपको उसका मेंशन कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको टाइटल को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना दोस्तों। और हमने जो नोट पैड में जो लिया था हमारा, ठीक है,
नोटपैड में जो हमने लिया था इसको आपको पूरे को यहाँ पर कॉपी कर लेना है सिंपल तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर आके सिंपल सा पेस्ट कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इस वीडियो को जो है दोस्तों सेव कर देना है, ठीक है। इस वीडियो को सेव कर देना है यहाँ पर, इस तरीके से वीडियो को यहाँ पर सेव कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को आप जो है पब्लिक कर दिया सीधा, तो आपको अनलिस्ट में अपलोड करके यहाँ पर आपको शेड्यूल कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस वीडियो को जो है पब्लिक कर दिया है, आप भी इस तरीके से अपने वीडियो को जो है वो पब्लिश कर दीजिएगा और इस तरीके से पूरा लगा के अनलिस्ट में अपलोड करना है और आपको उसके बाद जो है शेड्यूल करके अपलोड जो है पब्लिश कर देना है वीडियो को। और दोस्तों अगर ये काम आप 10 दिन तक कर देते हैं लगातार 15 से 10 दिन तक, तो आपकी शॉर्ट चैनल जो है यहाँ पर आराम से ग्रो हो जाएगा और शुरुआत में आपकी वीडियो पर व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो नई ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।